सिंचन मेरे को तो यार बहुत ही डर लग रहा है। सिंचन तू मेरे को इस जंगल में क्यों लेके आ गया? अरे फ्रैंकल भैया यार मेरा बहुत ही मन कर रहा था यार जंगल में घूमने का, इसलिए तुमको लेके आया हूँ। अबे यार मेरे पास सिर्फ एक ही कार बची है, वो भी गोल्ड की। अगर सिंचन इस जंगल में कोई चोर वोर मिल गया ना तो हम चले गए। अरे फ्रैंकल भैया इतना डरते क्यों यार, तुम्हारे अंदर तो बहुत पावर है ना। तुम तो बहुत बोलते थे घर पे कि मेरे अंदर बहुत पावर है, सबको मार दूंगा। अबे सिंचन समझे कर थोड़ा यार, ये जंगल है यार, यहाँ पे ना थोड़े गुंडे लोग रहते हैं, अगर उन्होंने हमारी ये गाड़ी छीन ली ना तो सिंचन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे यार मत डरो यार, कुछ भी मत डरो, कुछ नहीं होगा। गाइस यार ये सिंचन का बच्चा ना मेरे को ना जंगल के अंदर लेके आ गया है, कह रहा था बहुत मन कर रहा है घूमने का, लेके चलो। मैं इसको लेके तो आ गया लेकिन मेरे को ना काफी डर लग रहा है, बस गाइस मेरी गाड़ी को कुछ हो ना जाए। अब सिंचन चुपचाप घर चलते हैं। अरे नहीं फ्रैंकल भी अभी तो हम घूमे ही नहीं है यार, घर मत लेके जाओ। नहीं नहीं सिंचन मेरे को काफी डर लग रहा है जंगल में, अब चुपचाप घर चलते हैं। अरे यार फ्रैंकल भैया कितने फट्टू हो तुम। अबे सिंचन ये क्या हुआ? अरे शिट गाइस मेरी गाड़ी पे स्क्रैच आ गया सिंचन तेरी वजह से। अरे फ्रैंकल भैया ब्रेक लगाओ, कहाँ लेके जा रहे हो? अबे सिंचन ब्रेक तो लग ही नहीं रहे। अरे गाइस ये क्या हो रहा है, ब्रेक लग जा। अरे फ्रैंकल भैया ठोकोगे क्या? अरे बाप रे ये क्या हुआ गाइस, उतरना पड़ेगा। अरे फ्रैंकल भैया ठोक दी अपनी गाड़ी, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। अबे सिंचन तेरी वजह से हुआ है, ना तू मेरे को जंगल में लाता ना हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता। अरे फ्रैंकल भैया अब क्या करेंगे यार, तुम्हारी एक ही गाड़ी बची थी वो भी बर्बाद हो गई। अरे गाइस अब मैं क्या करूं, देखो मेरी गोल्ड की गाड़ी ठुक गई। गाइस अब तो यार ये बहुत सस्ते में बिकेगी, मेरे और लग गई। गाइस सब कुछ सिंचन की वजह से हुआ है, अब सिंचन अब हमारे पास पैसे कहां से आएंगे ये बता। अरे फ्रैंकल भैया तुम जॉब करो ना। गाइस मैं ना जॉब पे भी नहीं जा रहा हूँ काफी दिनों से, और गाइस अब ये गाड़ी भी टूट चुकी है, अगर हम इसे बेच देंगे फिर उसके बाद वो पैसे खत्म हो गए तो हमारे पास पैसे कहां से आएंगे सिंचन, हम तो गरीब हो जाएंगे ऐसे। अरे यार फ्रैंकल भैया अब क्या करें यार, तुम बताओ अब क्या कर सकते हैं। गाइस इस गाड़ी को लेके चलते हैं और इसे बेच देंगे, जो भी पैसा आएगा सिंचन उसे ना हम खर्च नहीं करेंगे। अरे फ्रैंकल भैया फिर खाएंगे पियेंगे कहाँ से? हाँ यार सिंचन ये भी बात है, अब क्या करूँ, मेरे को जॉब ही करनी पड़ेगी गाइस लग रहा है। अरे फ्रैंकल भैया अगर ये गाड़ी एकदम सही सलामत होती तो बहुत महंगे में बिकती ना? हाँ सिंचन जब तो बहुत ही महंगे में बिकती। अरे यार चलो ना फ्रैंकल भैया गाड़ी को निकालो, चलते हैं घर। हाँ टल गाड़ी को निकाल के घर ही चलते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। अरे ये क्या हुआ सिंचन? अरे फ्रैंकल भैया हमारी गाड़ी को क्या हुआ? अरे गाइस मेरी गाड़ी, गोल्ड की गाड़ी को क्या हो गया? आग लग गई, जल गई। अरे गाइस मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगा। अरे फ्रैंकल भैया बचाओ, अबे मेरे अंदर भी आग लग गई सिंचन, जल्दी उठ जा। अरे गाइस यार ये क्या हुआ गाइस? अरे सिंचन तो ठीक तो है ना? अरे फ्रैंकल भैया मैं ठीक हूँ लेकिन हमारी गाड़ी ठीक नहीं है यार। गाइस यार मेरी पूरी गाड़ी तहस नहस हो गई लगभग, गाइस अब तो बर्बाद हो चुका है सब कुछ। गाइस अब ये गाड़ी ना ठीक भी नहीं हो पाएगी, सब कुछ सिंचन की वजह से हुआ है। सिंचन मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या कर रखा है, ये किसकी गाड़ी जल गई? अरे मेरी गाड़ी जली, पुलिस वाले भग जा वरना तेरे को भी मारूंगा। मैं गाइस बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूं यार, मेरी गोल्ड की प्यारी गाड़ी ये भी जल गई। अब तो गाइस मेरे पास कुछ नहीं बचा। सिंचन अब तू शांति से घर चल मेरे साथ, अब तेरे को मैं घर पे बताऊंगा। अरे यार फ्रैंकल भैया बहुत ही गुस्से में, गाइस मेरे को लग रहा है आज ना फ्रैंकल भैया मेरे को बहुत ही मारने वाले हैं। सिंचन यहां पे खड़ा मत रह, चल मेरे साथ घर चल फटाफट। अरे फ्रैंकल भैया पैदल जाएंगे क्या? घर तो हमारा बहुत दूर है यहां से, अब क्या करें, चल पैदल ही जाना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है जो तेरे को मैं ट्रक या टैक्सी वगैरह से घर लेके जा सकूं। अरे यार गाइस मेरे को लग रहा है फ्रैंकल भैया ना आज तो मेरे को जरूर घर पे जाके बहुत मारेंगे, ये ना बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। अरे फ्रैंकल भैया सुनो यार, बहुत ही कीचड़ हो रही है, मेरे से जाया नहीं जाएगा, मेरे को पद्दी पे ले लो। अबे सिंचन चुपचाप से आजा। लेकिन एक सेकंड, ये कौन बैठा हुआ है यहां पे? ये तो कोई बावा लग रहा है। अरे फ्रैंकल भैया यहां से चलो, मेरे को ये कोई ढोंगी लग रहा है, हमें काट के ना खा जाए। अबे चुप हो जा सिंचन वरना बहुत मारूंगा, तेरी वजह से बहुत गुस्सा रहा। ए उठ यहां से। अरे तू यहां पे क्या, क्यों मेरे को जगा दिया? मैं अपनी मेडिटेशन कर रहा था। अरे बाबा तू यहां पे कर क्या रहा है ये बता, इस कीचड़ वाले इलाके में क्यों मेडिटेशन कर रहा है यहाँ पे? अरे बेटा तुझे क्या मतलब, बेटा मेरी जिंदगी में जो करना चाहूं वो करूंगा। अरे गाइस ये तो ज्यादा ही बोल रहा है, अपना गुस्सा गाइस इस पे उतार दो क्या? अरे हाँ फ्रैंकल भैया इस पे उतार दो वरना तुम घर जाके मेरे पे उतारोगे गुस्सा। अबे सिंचन तू तो चुप ही हो जा। ए बाबा यहां से भग जा वरना मैं तेरे को बहुत मारूंगा। एकदम तिगड़म जादू का मंत्र ज्यादा बोल रहा है बेटा, एक मंत्र फूंक के मारूंगा, अभी तेरे को बेहोश कर दूंगा यहाँ पे। अरे फ्रैंकल भैया ये तो तुमसे ज्यादा ही बोल रहा है, फ्रैंकल भैया इसके लात घुसे मारू ना यार। अरे नहीं सिंचन चल छोड़, क्या ही मारू, मेरा वैसे ही गुस्सा शांत हो चुका है। अरे बेटा मेरे को बता क्या हुआ? अरे बेटा गिरा दिया, मेरे को गिरा दिया बेटा। चल रुक जा बेटा, तेरी समस्या हल कर देता हूँ बेटा, जो तू सोचेगा वो हो जाएगा बेटा, तू अमीर बन जाएगा। अरे अरे गाइस ये तो ज्यादा ही बोले जा रहा है, मेरे को गाइस ऐसी बेफालतू की बातों से बड़ा गुस्सा आता है। अरे ये क्या हुआ? अरे सिंचन वो बाबा कहाँ चले गया? अरे फ्रैंकल भैया हाँ वो बाबा कहाँ चले गया? फ्रैंकल भैया मेरे को डर लग रहा है, वो भूत तो नहीं था यार? देखो कितनी दोपहरी हो रही है और यार वो बाबा हमको मिला और वो भग गया यार। अरे भागा भागा नहीं है सिंचन, वो कुछ कह के भगा था,
उसने बोला था कि हम जो कुछ भी सोचेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। अरे हाँ फ्रैंकल भैया, वो कुछ कह तो रहा था। अरे सिंचन सुन, मेरे को लग रहा है कोई वो जादुई बाबा था। सिंचन जो हम सोचेंगे क्या पता हमारे पास आ जाए, कुछ सोच तू। अरे हाँ सोचता हूँ, मेरे पास एक रिमोट कंट्रोल कार आ जाए। अरे आई नहीं यार। अरे सिंचन देख यार, रिमोट कंट्रोल कार आ गई। अरे हाँ फ्रैंकल भैया, उसने बोला हम जो सोचेंगे वो होगा। और देखो यार, मैंने रिमोट कंट्रोल कार सोची और वो मेरे सामने आ गई। अरे वाह सिंचन, ऐसे तो सिंचन हम ना अपनी गाड़ी को भी मंगा सकते हैं, जो हमारी गोल्ड की गाड़ी अभी तहस नहस हो गई ना। अरे हाँ फ्रैंकल भैया, एक बार सोच के देखो, क्या पता हमारी गोल्ड की गाड़ी आ जाए, फिर तो सारी समस्या हल हो जाएगी। हाँ हाँ सोच के देखता हूँ सिंचन एक बार, जो मेरी गोल्ड की गाड़ी थी ना वो मेरे सामने आ जाए जल्दी से। सिंचन आई क्या? अरे नहीं फ्रैंकल भैया, अभी तक तो नहीं आई। अबे यार सिंचन ये तो आई नहीं रही। अरे वाह सिंचन, सामने देख अपनी गोल्ड की गाड़ी आ गई, वो जो तहस नहस हो गई थी। अरे हाँ फ्रैंकल भैया, ये तो पूरी जल गई थी यार, अब ये तो हमारे सामने आ गई। गाइस मेरी प्यारी गाड़ी यार आखिरकार मेरे पास आई गई। गाइस वो जादुई बाबा पता नहीं कहाँ चले गया, मैं तो गाइस उसको थैंक यू बोलता, मैं तो खाली पीली गाइस उस पे गुस्सा कर रहा था। अरे फ्रैंकल भैया वो तो बहुत ही अच्छा बाबा था यार, मैं तो उसे भूत समझ रहा था। फ्रैंकल भैया ऐसे तो हम अमीर हो गए ना। हाँ सिंचन यार, अब तो हम अमीर हो गए सिंचन, हम बहुत सारा गोल्ड सब कुछ कमा सकते हैं जो हमें चाहिए। चलो चलो फ्रैंकल भैया घर पे चलते हैं और बहुत कुछ सोचेंगे और वो सारा कुछ हमारे पास आ जाएगा। हाँ सिंचन अब तो टेंशन मत ले, अब मैं अपनी गाड़ी को बहुत तेज भगा के लेके जाता हूँ घर पे और हम ना बहुत सारी चीजें सोचेंगे और वो सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। अरे फ्रैंकल भैया सुनो ना यार। हाँ हाँ बोल जल्दी बोल। अरे फ्रैंकल भैया मेरे पास ना चड्डी नहीं है यार, मैंने अपने लिए बहुत सारी चड्डी भी मांगूंगा। अबे सिंचन तूने कर दी ना वही नकली वाली बातें। सिंचन ये मजाक का टाइम नहीं है सिंचन, हम ना बहुत सारी चीजें मंगा सकते हैं अपने सोच से। अरे वाह फ्रैंकल भैया, लेकिन यार मेरे को ना चाहिए यार अपने लिए बहुत सारी चड्डी। अबे ले लियो, क्यों टेंशन ले रहा है। और सुनो ना फ्रैंकल भैया यार, चौप के लिए भी काफी सारे कपड़े खरीदना, उसके पास ना कपड़े नहीं है, वो तो ऐसे ही रहता है। अबे खरीद लेंगे सब कुछ, लेकिन पहले ना घर पहुंचते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या खरीदना है हमको। तो गाइस यार अभी मैं और सिंचन ना अपने घर पे पहुंच चुके हैं और गाइस अब हम अपने घर पे तो आ गए। अरे अरे गाइस ये क्या हुआ, ब्रेक लगाई नहीं। अरे फ्रैंकल भैया तुमने तो अपने डस्टबिन तोड़ दिए यार। अरे यार सारा कूड़ा बिखर गया। अब सिंचन कोई बात नहीं, नीचे आ जा, नीचे बहुत कुछ सोचेंगे और वो सब हमारे सामने आ जाएगा, जल्दी चल सिंचन कहीं ये पावर खत्म ना हो जाए। अरे हाँ फ्रैंकल भैया क्या पता ये पावर खत्म होगी तो बहुत गलत हो जाएगा, जल्दी जल्दी कुछ सोच लेते। अब बात सब कर लूँ, आ गया तो मेरे को घर पे अकेला छोड़ के चले गया था घूमने के लिए। अबे चौप मैं तुझे एक बात बताऊँ, मेरे अंदर ना बहुत तगड़ी पावर आई है, मैं जो कुछ भी सोचूंगा ना वो मेरे पास आ जाएगा। अब भाई साहब कलू ऐसा भी कुछ होता है क्या? भाई साहब कलू मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ भी होता होगा। हाँ तो तू मेरे को बताना तेरे को कुछ चाहिए क्या, मैं अभी वो तेरे सामने ला दूंगा। अब भाई साहब कलू मेरे को चाहिए ना भाई साहब, मैं ना भाई ऐसी जमीन पे लेट के सोता हूँ, भाई साहब मेरे लिए बेड ला दे भाई कैसे भी करके। अब इतनी सी बात रुक जा, अभी बेड लाता हूँ, ये देख बेड आ गया। अब भाई साहब कलू भाई ये कैसे करा भाई तूने? अरे वाह फ्रैंकल भैया तुम तो चौप के लिए यार बेड लेके आ गए। हाँ हाँ चौप नहीं बोला था इसे बेड चाहिए, मैं बेड लेके आ गया। अब भाई साहब कलू तेरे अंदर तो बहुत ही पावर आ गई भाई, अब तो मजे से बेड पे सोई करूंगा। अरे वाह फ्रैंकल भैया कितना अच्छा लग रहा है ना बेड, मैं भी रात को इसी पे सो जाया करूंगा। अबे सिंचन जब तेरे को ठंड लगेगी ना तू भग के मेरे पास आ जाएगा रूम में। अरे फ्रैंकल भैया अपना टाइम खराब मत करो यार, और कुछ सोचते हैं, जल्दी जल्दी हम सब कुछ मंगा सकते हैं जो सोचेंगे। हाँ हाँ सिंचन चल एक काम कर सिंचन, पहले तू सोच जो तुझे चाहिए वो मांग ले फटाफट से। अरे हाँ हाँ फ्रैंकल भैया मांगूंगा नहीं, सोचूंगा वो मेरे सामने आ जाएगी, मेरे पास बहुत सारी रिमोट कंट्रोल कार आ जाए भर के वो भी। अरे 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 ये क्या हुआ गाइस, सिंचन के पास देखो कितनी सारी रिमोट कंट्रोल कार आ गई। यार सिंचन इतनी सारी रिमोट कंट्रोल कार का तू करेगा क्या? अरे फ्रैंकल भैया बहुत कुछ करूंगा यार, सारी गाड़ियों को चलाऊंगा और अपने दोस्तों को चिढ़ाऊंगा, वो भी चिढ़ाते थे यार मेरे को, अब तो मेरे पास बहुत सारी रिमोट कंट्रोल कार आ गई। हाँ यार कितनी बढ़िया लग रही है ना। अरे सिंचन यार एक दो कार मेरे को भी दे दियो। अरे दे दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम तो कुछ मांगो। हाँ हाँ मैं मांगता हूँ, मैं देख सिंचन दिमाग से चलूंगा, मेरे पास बहुत ही सारा गोल्ड और डायमंड आ जाए, वो भी भर के एकदम मेरे सामने। अरे आया नहीं यार सिंचन। अरे वाह आ गया यार, देखो फ्रैंकल भैया कितना सारा गोल्ड डायमंड आ गया। गाइस ये पावर तो काफी तगड़ी है, देखो कितना सारा गोल्ड और डायमंड आ गया। अब तो गाइस मैं इन सब से ना बहुत सारी गाड़ियां खरीदूंगा, वो भी गोल्ड की गाड़ियां, मजा ही आ जाएगा, कितना सारा पैसा आ गया। अब तो गाइस मेरे को ना किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और ये देखो यार गाइस मैं क्या ही बताऊं, मेरे को ना बिलीव नहीं हो रहा इतना सब कुछ आ गया। अरे फ्रैंकल भैया और कुछ मांग लो यार, कहीं ये पावर खत्म ना हो जाए। मेरे को लग रहा है ना सिंचन ये ना पावर खत्म नहीं होगी, ये हमारे अंदर हमेशा के लिए आ गई है। अरे वाह यार फिर तो मजा ही आ गया। अबे चॉप तू कहां है यार, देख तो ले हमने क्या क्या मंगा लिया। अरे यार ये चॉप कहां चली गया। अरे गाइस ये क्या कर रहा, अब बात सब कर लूए चले जा, मैं आगरा हूं यार देखेगा क्या। अरे गाइस यार एक चीज अच्छी होगी, पहले ना चॉप गाइस खुले में मतलब पोटी करता था और अब बेड के पीछे आराम से करता है, इसे कोई देखेगा भी नहीं। अब बात सब कर लूए, तू ना आगे भी देख तो लिया था। अरे
फ्रैंकल भैया यहाँ पर आओ यार, मैं कुछ सोच रहा हूँ यार। हाँ हाँ, क्या सोच रहा है और क्या मंगाएगा, पूरा घर तो भर गया हमारा। अरे हाँ फ्रैंकल भैया, काम करते हैं, ये जितने भी रिमोट कंट्रोल कार है ना, इनको ना एक रूम में रख दो यार, पूरा रूम भर जाएगा। उसके बाद मैं ना और रिमोट कंट्रोल कार मंगाता हूँ। अबे सिंचन, हो क्या गया तेरे को, तेरी तो जीभ लड़खड़ा रही है। अरे फ्रैंकल भैया मैं क्या ही बताऊँ यार, इतनी सारी रिमोट कंट्रोल कार जिंदगी में पहली बार देखी ना, तो मेरे तो होश उड़ गए। हाँ हाँ सिंचन, मैंने तो तेरे को आज तक एक भी कार दिला ही नहीं है ना। हाँ हाँ फ्रैंकल भैया तुम बहुत गंदे हो यार। गंदा बोल रहा, रुकिए सारी रिमोट कंट्रोल कार फेंक के आता हूँ। अरे नहीं यार, तुम तो बहुत ही अच्छे हो यार, फ्रैंकल भैया बहुत अच्छे हैं। गाइस यार फ्रैंकल भैया ओपी लिख दो फटाफट से कमेंट में। लेकिन सिंचन एक चीज की कमी रह गई, मेरे कपड़े बहुत ही बेकार लग रहे हैं, कपड़े मांग लेता हूँ अपने लिए। मेरे पास एकदम लग्जरी कपड़े आ जाए, एकदम तगड़े वाले कपड़े आ जाए। और ये देखो गाइस, ये क्या हुआ, पैंट तो आई नहीं। अरे फ्रैंकल भैया तुम्हारा तो कच्चा दिख रहा है यार, वाइट वाइट। अबे सिंचन चुप हो जा, ये कैसे हो गया। गाइस मैंने अपने लिए काफी अच्छे कपड़े मांगे थे, लेकिन ये क्या चड्डी बनियान आ गया, चड्डी नहीं मतलब कोट आ गया और नीचे चड्डी आ गई। अरे फ्रैंकल भैया कपड़े पहन के क्यों ना रहे, ऊपर आ जाओ यार। हाँ हाँ ऊपर आ गया हूँ। चलो तो गाइस, अगर आपने अभी तक आज की वीडियो को लाइक नहीं करा तो क्या कर रहे हो फटाफट से। गाइस अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस स्टिल देन बाय।